गुजरात में बीजेपी की राजनीतिक बिसात, पीएम मोदी का मिशन गुजरात, क्या कहती है पीएम मोदी की कुंडली, शनि की ढैया में क्या कमाल करेंगे पीएम मोदी, क्या पीएम मोदी 182 सीटों पर खिला पाएंगे कमल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आज आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्षतापूर्वक एक कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, 2001 में गुजरात में जो मोदी मैजिक दिखाता, वो अभी तक देश की सत्ता पर आसीन मोदी जी के इस कार्यकाल में भी पूरे देश में दिखाई दे रहा है। और आज देखिए, चार राज्यों में जीत की गाथा लिखने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी गुजरात मिशन में जुट चुके हैं। जी हाँ, इसी साल गुजरात में देखिए विधानसभा चुनाव है, 182 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बड़ी मुश्किल से बीजेपी कमल खिला पाई थी, 100 का आंकड़ा छू पाई थी और इस बार फिर से जंग लड़ी जाएगी और एक अग्नि परीक्षा होगी मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का चुनाव। क्या यह पार्टी जीत पाती है या नहीं? फिलहाल तो राजकोट के दौरे पर पीएम मोदी की जिस तरह से वहाँ का स्वागत लोगों ने किया मोदी जी का, वो देखने को मिला। और इसमें मोदी जी ने एक नारा भी दिया कि इन 8 सालों में बतौर प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने, भाजपा ने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे देश का सिर झुके। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस बार भी गुजरात की जनता पीएम मोदी पर भरोसा करेगी? गुजरात की जनता क्या प्रदेश में कमल खिलने देगी या नहीं? इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, मोदी मैजिक जो बीते 8 सालों से नजर आ रहा है, गुजरात 2001 से शुरू हुआ था, आज 2022 चल रहा है, अभी तक नजर आ रहा है, मतलब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या ग्रह नक्षत्र है? मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री, मोदी जी जिस भी प्रदेश में अपना चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहाँ कमल खिल जाता है। देखिए, इनकी कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग हैं जो इनको जबरदस्त उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं जी। अब देखिए, इनकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की जन्म पत्रिका है, लगन में ही मंगल और चंद्रमा की युति है, और जब जब केन त्रिकोण का राजयोग बनता है तो वो केदार योग भी बना लेता है और वो जबरदस्त राजयोग होता है। ऐसे योग में जितने भी व्यक्ति पैदा होंगे वो जिस भी लाइन में होंगे, जिस भी कार्यक्षेत्र में होंगे, व्यापार में होंगे तो वहाँ उच्च कोटि की सफलता अर्जित करेंगे, या जिस विभाग में नौकरी करेंगे वहाँ उच्च पद की प्राप्ति करेंगे। अब ये राजनीति में आए हैं तो उनको राजनीति में उच्च पद की प्राप्ति हुई है। तो एक तो उनकी कुंडली में मंगल और चंद्रमा का जबरदस्त राजयोग है जी। महालक्ष्मी राजयोग भी इसको बोला जाता है, और मंगल स्वराशि के हैं और चंद्रमा नीच के हैं, तो नीच भंग राजयोग का भी निर्माण यहाँ हो रहा है। चतुर्थ भाव में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, गुरु और चंद्रमा की केंद्रीय युति बनी हुई है, तो ये गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हुआ। दशम भाव में शुक्र और बुध बैठ, शुक्र और शनि बैठे हैं, ये बड़ा जबरदस्त राजयोग बनता है। दशम भाव में जब ये ग्रह राजयोग बनते हैं तो व्यक्ति जो है देश के उच्च पद की प्राप्ति करता है और बड़ा जबरदस्त उसकी जो ख्याति होती है वो विश्व स्तर पर होती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमाता है। और आप देख रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता जो है हर साल बढ़ी रही है। और लाभ स्थान में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, साथ में केतु भी है, जो दिखाता है कि ये स्पष्ट वाणी के वक्ता है, यानी कि जो बोलते हैं खरा खरा बोलते हैं। और बुध आदित्य राजयोग होने के कारण इनको राजनीति में भी अच्छी सफलता मिलती है और प्रभावशाली वक्ता भी मोदी जी को बनाती है और जनता का पूर्ण समर्थन इनको मिलता है। वर्तमान में मंगल की महादशा है जो 30 नवंबर 2021 से चली है, और मंगल में अभी इनके राहु शुरू हो चुके हैं 22 अप्रैल 2022 से, जो कि 15 मई 2023 तक चलेंगे। तो मंगल में राहु की स्थिति जो है मोदी जी को एक अलग ही रूप इनका देखने को मिलेगा आने वाले समय में, ये इनकी गृह स्थिति कह रही है। अगर मैं गुजरात चुनाव की बात करूं तो पिछली बार 17 में, जैसे कि मैं अपने दर्शकों को पहले बताया कि पाटीदार आंदोलन की वजह से भाजपा के लिए एक कड़ी टक्कर देखने को मिली थी भाजपा और कांग्रेस के बीच में, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल इस बार देखने को मिलेगा और इसमें मोदी जी की भूमिका किस तरह से देखने को मिल सकती है?
देखिए, अगर हम इनकी कुंडली के हिसाब से एनालिसिस करें तो इनके ऑब्वियसली वहाँ चुनाव प्रचार करने से निश्चित रूप से वहाँ भाजपा को फायदा मिलेगा जी। और भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी, ये इनकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं। और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस बार वहाँ रहने वाला नहीं है। अगर बात करें हमें विश्व स्तर पर, तो जिस तरह से हमने अभी जापान दौरे में देखा, अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच का जो माहौल है था उसको हमने देखा, उसमें जिस तरह से मोदी सरकार ने अपना स्टैंड लिया, और अमेरिका के साथ भी भारत की जो कूटनीति हमने देखी कि उसके दबाव में भी ना आकर खुद का स्टैंड लिया भारत ने अपने गुटनिरपेक्ष वाली, तो ऐसे में ये समझना चाहती हूँ कि आगे अब मोदी जी की विदेश नीति क्या कहती है। देखिए, इनकी विदेश नीति जबरदस्त कामयाब रहेगी, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो बना के बोला था कि इनको मंगल की महादशा शुरू हो गई है। इस विदेश नीति से भारत को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, भारत को जबरदस्त फायदा मिलेगा। आप देखेंगे विश्व के जितने भी देश हैं वो इस समय भारत से दोस्ती करने के लिए बेकरार रहेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के नए नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, उन्होंने भी बोला है कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है और उनके साथ काम कारोबार को लेके बात करूंगा और आगे बढ़ाने की चर्चा करूंगा, ये दोस्ती और आगे बढ़ाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है जी। इनके ग्रह स्थिति मंगल लगन में बैठा है और मंगल की दशा जब तक इनको रहेगी तब तक इनकी लोकप्रियता चरम पे रहेगी। और हमने पिछले कुछ वीडियो में ये भी कहा था कि आने वाले समय में पूरा विश्व जो है इनके कहना चाहिए नक्शे कदम पर चलेगा, या भारत के बिना आगे कोई भी संधि या कोई भी बड़ी चीज कंप्लीट नहीं होगी। तो इतना रुतबा इनके कारण भारत का आने वाले समय में बढ़ेगा और बड़े बड़े फैसले भी आने वाले समय में सरकार लेगी, क्योंकि राहु की दशा आ चुकी है और मंगल में राहु जब आता है तो कविता जी क्या होता है, व्यक्ति मोदी जी थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस समय में पहले से ज्यादा, और साथ साथ कुछ कड़े फैसले भी ले सकते हैं आने वाले समय में। ये इनके राहु की स्थिति के कारण मैं संकेत दे रहा हूँ। मैंने राहु केतु की जो स्थिति होती है इंसान को अध्यात्म की ओर भी लेके जाती है, तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से देखिए हमने पहले अयोध्या का देखा, वो जिस तरह से मामला सॉर्ट आउट हुआ, राम मंदिर का एक भव्य निर्माण अब हो रहा है, अब हम अपनी काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, उसकी भव्यता तो पूरी दुनिया में फैल रही है इस वक्त, और अब जो ज्ञानवापी का मुद्दा उठा है मंदिर मस्जिद को लेकर, जो बवाल मचा हुआ है, कोर्ट के कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, तो इसमें मोदी सरकार की खासकर पीएम मोदी की क्या भूमिका नज़र आ सकती है? क्योंकि सवाल ये होता है कि मोदी राज में ही अब ये तमाम चीज़ें मंदिर मस्जिद वाले जो विवादित चीज़ें थी दशकों तक चली आ रही थी वो अब जाके सामने उठ रही हैं, खुल रही हैं। जी जी जी, देखिए इनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से तो ये लग रहा है कि इनके ग्रह इनको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी कहना चाहिए कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट्स लेंगे, बेहतर फायदा देंगे आने वाले समय में, स्थिति ये नज़र आ रही है। और अगर इनकी कुंडली पर नज़र डालें तो भारत को आने वाले समय में आर्थिक पक्ष जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, यहाँ पर रोज़गार के साधन बढ़ते हुए नज़र आएंगे और काफ़ी कुछ फ़ायदा भारत को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने जाना कि इस बार के जो चुनाव हैं जो इसी साल गुजरात में होने वाले हैं, इसमें मोदी जी का जो मिशन गुजरात में जो जुट चुके हैं इसका कितना फ़ायदा पार्टी को यानी कि बीजेपी को होने वाला है। आपको क्या लगता है इस बार के गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या भाजपा फिर से जीत की गाथा लिख पाती है या नहीं? आपके क्या विचार है कमेंट करके आप भी ज़रूर बताइएगा, हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।